24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बाल दिवस पर पुरस्कार पाकर खिलखिला उठे डांस एकेडमी के बच्चे। दीपावली से पहले ड्रैगन डांस एकेडमी में कराई गई रंगोली प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम रविवार को बाल दिवस के मौके पर कराया गया। यहाँ मुख्य अतिथि के हाथों पुरस्कार पाकर बच्चे खुशी से चहक उठे। सराय मीरा में तिरवा क्रॉसिंग के पास संचालित ड्रैगन डांस एकेडमी में बाल दिवस के अवसर पर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम किया गया। यहाँ मुख्य अतिथि व समाज सेवी विकास अवस्थी ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। दीपावली से पहले कराई गई रंगोली प्रतियोगिता में ड्रैगन डांस एकेडमी के बच्चों के बीच 4 ग्रुप तैयार किए गए थे, जिनके द्वारा 4 अलग अलग बेहतरीन रंगोली बनाई गई थी, जिसमें शिवधारा ग्रुप, निस्वार्थ ग्रुप, गोवर्धन ग्रुप और नीलगिरी ग्रुप शामिल थे। रंगोली प्रतियोगिता में नीलगिरी ग्रुप ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि निस्वार्थ ग्रुप द्वितीय स्थान पर रहा। गोवर्धन ग्रुप ने तीसरा स्थान हासिल किया और शिवधारा को सांत्वना पुरस्कार के लिए चुना गया था। सभी प्रतियोगिताओं को प्रतीक चिन्ह, मेडल और प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत करते हुए मुख्य अतिथि विकास अवस्थी ने कहा कि गायन और नृत्य एक कला है और इसको करने वाला कलाकार होता है। असली कलाकार वही है जो बेहतरीन मंच पर अवसर मिलने पर कला का प्रदर्शन करने से न चूके। कन्नौज से जिला ब्यूरो चीफ शिबु सैनी की रिपोर्ट। जिस कला के क्षेत्र में आप जाना चाहते हो उसमें पूरा दिल और दिमाग लगा के आप काम करिए, उसको सीखिए। अभी हम देख रहे प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण से पहले कुछ बच्चों को बुलाया जा रहा था, इधर से जो शर्मा रहे थे। आज बेटियाँ इसीलिए बेटों से आगे हैं क्योंकि वो शर्माती नहीं। इधर से जितनी भी बच्चियों को बुलाया गया वो सब आके डांस कर रही थी, लेकिन आप लोग शर्मा रहे थे। ये कला है और जिस क्षेत्र में आप जा रहे हो उसको तन मन धन से लगना चाहिए। उसमें उस क्षेत्र में जाने से पहले, वहाँ पर प्रदर्शन करने से पहले कभी शर्म या झिझक को सामने नहीं लाना चाहिए कि इसके लिए भी आपके माता पिता पैसा खर्च कर रहे हैं, समय आपका नष्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भेज रहे हैं। तो आप कुछ सीखिए और जहाँ भी आपको मंच मिले वहाँ खुल के प्रदर्शन करिए। कुछ लोगों को हमने देखा था, अभी SPS कॉलेज ग्राउंड में भी प्रतियोगिताएँ हुई थी, लड़ झगड़ के अपना प्रदर्शन वहाँ कराना चाह रहे थे कि हमको मौका मिल जाए वहाँ प्रदर्शन करें। तो आपके बीच भी हैं ऐसे लोग, पहचान में उनको। तो जो भी कलाकार है उसको अपनी कला का प्रदर्शन करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, मेरा कहने का मकसद से पूछा था। एक हम उदाहरण देंगे एक पत्रकार, क्योंकि हम लोग पत्रकार पेशे से पत्रकार हैं और उन्हीं चीज़ों को आपके सामने लाएंगे जो हमारे क्षेत्र से जुड़ी चीजें हैं। एक हम उदाहरण देंगे एक ऑस्ट्रेलिया। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।